तर ते जीवन आणि जे मी आता माझ्या मुलाला आता जो तुमच्या गायडन्समुळे तुमच्याकडे शिकल्यामुळे जो करणार आहे एक अधिकारी म्हणून तो आता जीवन जगणार आहे. माझ्यापेक्षा तो 4 पावलं पुढं आहे याचा खूप मला अभिमान वाटतो. आणि हे जे घडवलं जे तुमच्या अकॅडमीनं त्याचा मला खूप आणखी खूपच अभिमान आहे. मी आईची बात करायला म्हणून हमें भी पसंद थी उसकी चॉइस और आपका साथ था तो आप उसके पापा के साथ पूरा इंडिया घूमे ना. नहीं सर मैं बच्चों को छोड़ के नहीं घूमी ज्यादा. पोस्टिंग में नहीं गए थे? एक दो बार गए बाद में बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा ये आता था इसी वजह से फिर मैं बाद में कहीं नहीं उनके साथ. कभी उसके POP में जाना है जरूर. हाँ जरूर जाना है सर. राहुल अंकम करके भी एक बच्चा है उसका भी ऐसा ही हुआ एनडीए भी होगा टेक्निकल इंटरव्यू भी. एक अभी एक लड़का महाडिक करके सातारा था उसका भी एनडीए भी हुआ टेक्निकल इंटरव्यू. टेक्निकल इंटरव्यू हुआ एनडीए का हमें रिकमेंड नहीं हुआ टेक्निकल इंटरव्यू. ऐसा ये टेक्निकल इंटरव्यू क्या है एनडीए क्या है सब मालूम होना चाहिए. और मैं ये प्लेटफॉर्म से अभी इसके बाद बात करूंगा कि हर बच्चा जो 10th का है 12th का है. दो दिन आपको पुलिस यूनिफॉर्म में भी लोगों को देखा. आप लोग इसका अवेयरनेस स्प्रेड करो कि आप बच्चों को हर बच्चों को जो 10th हुआ 12th हुआ ना उसको अग्निपथ और अग्निवीर का फॉर्म भरवाए. किसका फॉर्म भरवाए? अग्निवीर. उसका वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा. देखो हर तो ऑफिसर नहीं बन सकता लेकिन 12th के बाद अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया तो वो सेलेक्ट हुआ. सिलेक्शन इतना ईजी नहीं. पहले फिजिकली फिट होना चाहिए. मेरे जैसे आदमी को तो लेंगे नहीं. फिजिकल फिट होने के बाद अग्निवीर अग्निपथ फिट हुआ ठीक है 4 साल लेगा. लेकिन 4 साल में उसको इग्नो का डिग्री मिलता है. कितने लोग मालूम इग्नो मालूम क्या इग्नो? इंदिरा गांधी ओपन डिग्री. तो 4 साल गवर्नमेंट से पगार भी मिलता हर महीना 30-40 हज़ार रुपये. 4 साल के बाद अगर वो 25% में नहीं बैठा उसका सिलेक्शन में नहीं हुआ 10-12 लाख रुपये गवर्नमेंट देती है उसको 4 साल के बाद. लेकिन 4 साल के बाद जब वो आता है सर्टिफिकेट भी है डिग्री भी है 4 साल डिफेंस में काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस भी है तो उसको कोई भी जॉब देगा प्लस माँ बाप का 1 रुपया भी खर्चा नहीं. सबसे बड़ा खर्चा क्या बोला मैंने? 1 रुपया खर्चा. 4 साल एक बच्चा आर्मी में जाएगा जैसा भी अमित कराटे के डैड ने बोला एक आर्मी लाइफ देखेगा ना और उसको ग्रेजुएशन में डिग्री भी है तो 100% इंशाल्लाह वो CDS क्रैक करेगा. ग्रेजुएशन के बाद 14 अलग अलग एग्जाम है. राजगुरु सर ने सब बता दिया. CAPF करके एक एग्जाम है लिख लो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स उसके 7 हिस्से कितने हिस्से उसमें एक सर ने बताया CIS और एक बताया सर ITBP और एक मैं बताता आसाम राइफल्स. बाकी 4 समझने का ना तो अनिस क्लासेस में सबने बताया एक हिस्सा है सर. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो देखिए आप आसानी के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं. मेरा जो कंसेप्ट है मैंने मेरा कार्ड भी आपको बांटा वो मेरे कार्ड के पीछे लिखा है. मेरा डायलॉग है नर्सरी से नौकरी तक. क्या बोलता हूँ जोर से बोलो सब लोग बोलो क्या बोला? नर्सरी से नौकरी तक. नर्सरी से नौकरी तक गवर्नमेंट के पैसे से पढ़ना माँ बाप के पैसे से नहीं पढ़ना उसका स्कीम मेरे पास है. जैसा मैं आपको एक बता था 10th में सर ने बोला ना एग्जाम NDSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम. गवर्नमेंट बोलता है कि जो बच्चा Stage 1 Stage 2 पास करता ना उसको मौत तक जितने साल वो पढ़ेगा गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप फंडिंग फ्री. मेरे यहाँ भी 2.5 लाख रुपये फीस है. अगर कोई बच्चा Stage 1 Stage 2 पास होता है मेरे पास 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगता आपके सबके सामने बोलने पर. तो लेकिन वो बच्चा 10th में NTSC क्लियर करना चाहिए. अभी मुझे बताओ हाथ ऊपर करो कितने लोगों को NTSC के बारे में पता है? आप लोग ऑडियंस में से कितने लोगों ने NTSC बद्दल माहिती आहे? आज हा प्रश्न मी इंटरॅक्टिव्ह करणार. तुम्ही काय सांगितलं नाही तर मी भाषण मिशन करणार नाही. तुम्हाला यायला पाहिजे त्याला मुलांना यायला पाहिजे. NTSC बद्दल माहिती आहे कोणाला? मला भेट नाही.
अच्छा कितने लोग, कितने लाख? अच्छा एक एग्जाम है स्कॉलरशिप का, सर ने बोला जय महाराष्ट्र जय हिंद, मैं भी बोलता जय महाराष्ट्र जय। कितने लोग टीचर है यहाँ पे स्कूल में? टीचर है 16 लाख बच्चे पांचवी और आठवीं का एग्जाम देते हैं महाराष्ट्र में। कितने? 16 लाख। 1 लाख बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है 40 साल पुराना, स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भरते। क्यों स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने को लगाया है? तो फिर सैटरडे संडे आना पड़ेगा, छुट्टी के दिन बच्चों को पढ़ाने आना पड़ेगा, तो स्कूल के टीचर भी बोलते मत बोलो। उनका स्कॉलरशिप फॉर्म जितने भी स्कूल है 5th और 8th के वो लोग भरते नहीं, उनको पता ही नहीं, पता होता तो भी बताते नहीं क्योंकि बच गया, बता दिया तो फंस गया। हमको सैटरडे भी आना पड़ेगा, संडे भी आना पड़ेगा स्कूल। ये प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर आप नहीं क्लियर किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ बजाय मैं भाषण देने के, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे वो लड़की आई ना, वैसे एक एक स्टूडेंट आया और ये मुझसे क्वेश्चन पूछे यहाँ के कि मैं ये पढ़ रहा हूँ या ये मैं पढ़ रही हूँ और मैं इसके आगे क्या करना चाहता हूँ, मैं उसका आंसर देता हूँ। आई थिंक दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। अगर बच्चे आए पहले तो अच्छा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आ जाओ उसको कोई भी क्लब ज्वाइन कर, क्रिकेट क्लब। मैं और राजगुरु सर एक ही स्कूल में पढ़े, मेरे मैं कैप्टन का क्रिकेट टीम का, और मेरे कैप्टनशिप में ऋषिकेश कानिटकर मेरे अंडर में खेला। कौन है ऋषिकेश कानिटकर? क्रिकेटर वहां क्रिकेटर मेरा डेरी पे मत जाओ अच्छा था। तो ऋषिकेश कानिटकर मेरे अंडर में खेला। अभी ऋषिकेश कानिटकर का जो बाप है ना BCCI में, उसका बड़ा भाई भी रणजी खेले, उसके बावजूद भी सुबह 4 घंटा शाम को 4 घंटा प्रैक्टिस करता था पूना क्लब करके क्लब उधर। और उसके बाप ने उसको स्कूल में इसलिए डाला कि जेम ग्रीड स्कूल जिसमें मैं फर्स्ट आया वो क्रिकेट के लिए फेमस है, पढ़े के लिए फेमस नहीं, तो उसके लिए उधर डाला। तो वैसे इसको भी देखना है, बुलडाना का ऐसे स्कूल में डाला जहाँ वो क्रिकेट खेलेगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। मला 11वी 12वी 8वी करायची, नंतर एमपीएससी ची सीपी देऊ शकतो। 11वी 12वी तू आर्ट्स केलं ना, त्यानंतर एनडीसी एग्जाम का करायचं? 10th पास आहे ना, तुम्हाला हे माहिती आहे, किती लोकांना माहिती आहे एनडीए करण्यासाठी सायन्स घेण्याची गरज नाही, हे किती लोकांना माहिती आहे? तू आज से बात करें, अरे टाटा ने खरीद लिया, एक्चुअली टाटा का स्टाफ ऑफिस आया, तो क्या होता है वो एयर इंडिया वालों ने एयरहोस्टेस को सब ले लिया और पायलट्स को ढूंढा रहे। अभी कल के परसों का पेपर भी देखो था, 18% सैलरी बढ़ाया इंडिगो के पायलट वालों का, नहीं तो इंडिगो के पायलट वालों ने जाना छोड़ दिया एयर इंडिया। तो बोले टाटा का, टाटा में काम कर रहा हो तो गवर्नमेंट में काम कर रहे एयर इंडिया और सब छोड़ के लोग स्पाइस जेट और इंडिगो सब छोड़ के एयर इंडिया में आए। बात समझता है, उतना सर्विस बढ़ गया। मेरी बेटी दुबई में और वो दुबई से जब अभी आई एयर इंडिया में तो मेरा अभी बहुत अच्छा सर्विस बढ़ गया, और खाना से लेके हर एक चीज बढ़ गई, सर्विस डिपेंड करता। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बीए करा तो ही वो आईएएस बने। ये लोगों को नहीं मालूम अभी स्टेम में, स्टीम में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में परसों के दिन मोदी साहब ने जो है ना चिल्ला पकड़ कर रखा है। स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स, और अभी वो लोग बोलते स्टीम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ आर्ट्स भी आना चाहिए। ये बच्ची को अगर एमपीएससी और यूपीएससी करना है तो उसको बीएससी नहीं करना है, वो उसके प्रैक्टिकल कुछ काम नहीं। हाँ इसको टीचर बनना है, फिजिक्स में रिसर्च करना है, केमिस्ट्री में रिसर्च करना है, प्योर साइंस लेना है तो पक्का जाना है। अगर उसको नहीं करना है, उसको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो 12वीं के बाद बच्चे ने आर्ट्स करना है। नॉर्मली क्या होता है, मैंने साइंस किया करके मैं बीएससी करा, आर्ट्स के जितने भी टॉपिक है पॉलिटी है, हिस्ट्री है, एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, ये सारे चीजें वो आर्ट्स में पढ़ेगी, उसका एग्जाम भी देगी और वही पढ़ाए उसके एग्जाम में भी। यह
ठीक है, सबके समझ में मैं क्या बोला, सब जाना करणार ना तो परत जाऊन बीएससी करणार, तुम्ही सांगितलं बरं आहे पण आई वडील नाही म्हणणार सांगतो, आई वडील आले तुझे कुठे का तीन साल अभी इंडिया का भी डिग्री मिलेगा और फॉरेन का भी डिग्री मिलेगा, इतने का तुला ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, यूएस का, यूके का, बेल्जियम का, यहाँ बैठे बैठे डिग्री मिल सकती है, इसको समझना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, यहाँ नहीं बनेगा। नेक्स्ट बस माझी आता एमपीएस 12वी सायन्स मधून केली, आता सरांनी सांगितलं की मला पण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामच द्यायचे, खूप कन्फ्युजन होतं की बीएससी करायची का बीए करायचं, आता माझं कन्फर्म झालंय की बीए करून मला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामच द्यायचे। यूपीएससी एमपीएससी का नहीं, उसमें और एक गड़बड़ करते हैं, सुनो ना क्या गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं आपको पता नहीं, लेकिन अभी एज अ मुस्लिम मैं आपको बताता हूँ, एक कौन फर्स्ट आया यूपीएससी में, अरे ये सब कौन फर्स्ट आया, लड़की फर्स्ट आई ना, आपका नाम क्या है, कौन बताएगा ऑडियंस में से, मालूम होना चाहिए, ये बार का यूपीएससी का टॉपर एक लड़की आई, उस लड़की का नाम क्या, हाँ बोलो, आवना यार सर तुम जरा बाहर आना यार, ऐसे क्या कर रहे, इसके ताली बजाओ, कौन है भाई ये देखते हैं कौन है, देखते हो इंट्रोडक्शन बताओ अपना, माझं नाव गौरव आहे, मी चिखली झाले, माझे वडील एक हमाली गाडी बोलू बोल आगे प्राउड रे नाही का, सध्या माझं शिक्षण जे सेकंडर ला कॉम्पिटिंग नाही, इसका कौन है गार्डियन कौन है, मेरे फ्रेंड फ्रेंड लोग, ये अगर मेरे पास क्लास को है ना मैं इसे फीस नहीं लेगा, अगर मेरे पास क्लास को है ना तो इसे फीस नहीं लेगा, इसको फ्री पढ़ाएगा, वो लड़की ने एडमिशन लिया जामिया मिलिया इस्लामिया, वो जामिया मिलिया इस्लामिया में एक कोर्स चलता है, एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में पास होने के बाद आपको वहां पे सीट मिलता है दिल्ली में मुखर्जी नगर में, और खाना पीना सब्सिडाइज रेट में मिलता है, और वो बच्चा वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 6 महीने 1 साल पढ़ी, इसके लिए वहां से टॉप हुआ, तो ऐसा जैसा आपका जहाँ सुनील सर बोले थे मतलब पार्टी है शादी है ना, वो मुझे नहीं मालूम था ज्यादा डिटेल में, लेकिन ऐसा टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से जहाँ पे जिसका एंट्रेंस एग्जाम होता, और अगर वो इंस्टीट्यूट में हम गए ना हमको वो माहौल मिलेगा जो अमित बोल रहा था मेरे यहाँ इंडिया का है माहौल, है बिल्कुल, बहुत सारे लोग पैसे देते हैं, अभी एक आदमी नाम नहीं लेता 46 एकड़ का कैंपस है, बोलता सर तुम आओ, मैं नहीं जाता, क्यों मालूम क्या, मेरे को मालूम है कि अगर मैं वहाँ से गया ना तो वो जो एनवायरमेंट क्रिएट करने का ना वो क्रिएट नहीं हो, तो ब्रांचेस खोलने से कोई फायदा नहीं, बच्चे पास नहीं, मेरी बात समझ में आपको क्या बोला, मेरे यहाँ इसके बच्चे पास होते हैं क्योंकि मैंने एक एनवायरमेंट बनाया, वो एनवायरमेंट में बच्चा जब रहता है ना तो पनपता, मुर्गी अंडा मुर्गी के अंडे के ऊपर बैठेगा तो क्या होता है बच्चे निकलते, आधे बार बैठे आधे बार नहीं बैठे तो क्या ना वो खाने के लायक है ना मुर्गी के लायक, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आया, वैसा सिस्टम बनाना पड़ता है, तो वो सिस्टम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चों को जिसको यूपीएससी करना ना ऐसे एनवायरमेंट में जाना चाहिए जहाँ पे पढ़ाई होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका राहुरी विद्यापीठ है, कितने लोगों को मालूम राहुरी विद्यापीठ, तो राहुरी विद्यापीठ में जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं ना वो एमपीएससी करने के लिए जाते हैं और उसमें बहुत अच्छे बच्चे पास होते हैं, उधर उन्होंने एनवायरमेंट बनाया तो झाड़ के नीचे बैठे पूरा दिन पढ़ते हैं, वो पहले जमाने का ट्रेंड था ना, अभी तो थोड़ा ये थोड़ा सा कम हो गया, मैं उसको मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये बोलना है कि एनवायरमेंट बनाना, क्या बनाना, वो एनवायरमेंट बनेगा तो बच्चा पढ़ सकता, दूसरी बात तो मेजर ड्रॉप है वो बच्चे ने भी जो बोला, हम लोग क्या करते हैं एमपीएससी देखते हैं यूपीएससी, कोशिश करो एमपीएससी भी और यूपीएससी भी इंग्लिश वर्ड होता है, कितने लोग मालूम है, अरे मालूम है या नहीं, एमपीएससी मराठी में होता एमपीएससी इंग्लिश में भी पण हो सकता, इंग्लिश में एमपीएससी की तैयारी करेगा एडवांटेज क्या, यूपीएससी की भी तैयारी,
अगर तुम मराठी में अटक गए तो महाराष्ट्र के लिए तो अगर महाराष्ट्र में अटक गए आप समझ में ना, शाहीन बनो शाहीन। हाँ, अगर ईगल कैसा उड़ता ऊपर उड़ता ना, जितना तुम अजैन की बुलंदी है ना वो भगवान की मदद को खींचते, तो खुदा की मदद को खींचते ना तो अपना इरादा बड़ा बुलंद करो आसान होता, वो हमारा दायरा छोटा बना तो आगे नहीं बढ़ सकता, दायरा बड़ा करेगा तो आएगा फायदा होगा। इसको बहुत सारा चीज नॉलेज है। अब ये लड़के को गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ लिया ना ये पका हुआ आम है मेरे साथ। क्या बोलते हैं, अरे जोर से बोलो, क्या बोलते हैं, आम पका हुआ। कितने लोगों ने आम आम का झाड़ देखा, सब ले आम के झाड़ में पहले क्या था, फूल फूल फूल, हर फूल कैरी बनता क्या, अच्छा हर कैरी पकता क्या, अभी बारिश है तो गिर गया, अच्छा हर पकेला आम शेतकरी को मिलता क्या, हर पकेला आम बच्चा खा जाता, कौवा खा जाता, पिकलेला आंबा है ना जिसको इंग्लिश में बोलते लेडन फ्रूट, क्या बोलते हैं। मैं इसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा कि मैं इसको पकड़ पड़ा, मेरे को मालूम है ये अगर बहुत पड़ा तो मेरा नाम कहाँ आएगा, ये क्या करो कोई कोना सा नहीं, कोई किसी का रहा भला नहीं करता। नहीं लेकिन एक बात है कि उस्ताद की पैनी नजर उस पे थी पहले से शागिर्द पे, तीन बार तीन बार बोला है उसको भाई, साढ़े किलोमीटर आया कि मैं पहले बोला है मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया, जिस दिन अगर मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे को भाषण देगा उस दिन में फेल, ये बात है मैं खुद सीखने के लिए आया, क्या बात, ईद का दिन है आज, ईद का दिन है, ये मुबारक उस्ताद। आने का मकसद क्या है, एक तो अमित के लिए आया तो पास हुआ तो मैं उसको जाके एक लड़का का रोल मॉडल है होना चाहिए, दूसरा सीखने के लिए आया तो मैं बाकी लोगों को तो भेजने वाला था, मैं कभी नहीं आता, ऊपर अंडे सब बैठे उनको मालूम है मैं कभी करियर काउंसलिंग के लिए नहीं आता, टीचर ट्रेनिंग है तो मैं आता हूँ टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, करियर काउंसलिंग के लिए मेरे से अच्छा बात किया राजू सब बता दिया, क्या बाकी बताने का, आप बात समझ रहे हैं, मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ उनसे सीखने को, इसके लिए ताली बजाओ इसके पास, पूरा पूरा बर्गर लोग आए बर्गर से उसका वो खत्म नहीं, एक बच्चा भी बन गया ना काफी है, उसे लोग बोल रहा है कम बच्चों में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। अच्छा माझं नाव अमोल गवई, मी बी ए फर्स्ट इयर ला शिकतो, काय करणार बाळा, कॉम्पिटिटिव कुठला कॉम्पिटिटिव सांग, यूपीएससी काय काय करणार, बहुत अच्छा बात है, आय एस बनेगा क्या करना सर, काय करायला लागणार कसं करणार, कुठं तुझं बी एच ऍडमिशन कुठे, दहावीला किती पडलं तुझं, दहावीला मला 6 आणि 12वीला 19, ताली बजा उसके लिए, हर वो बच्चा खूबी होता है 10वीं से ज्यादा 12वीं मार्क्स मिला ना वो बहुत होशियार है। अच्छा मुझे अभी ये बताओ इसका कैसा करेंगे, इसको कैसा गाइड करेंगे, क्या आपके क्या दिमाग में, आपका जो ग्रुप है ना तो कौन सा ग्रुप है सर, उसका पूरा नाम क्या, युवा भीम क्रांति, युवा भीम क्रांति ग्रुप, ऐसे बच्चों को आप आगे कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहले इसको है ना अभ्यासिका में भेजो, क्या भेजेंगे, दूसरा इसको सदाशिकट में भेजो, आपको मालूम है एक मुस्लिम लड़का नाम चेंज करके फर्गुसन के पास रहा, वो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बना, कितने लोग उसका नाम मालूम, जानना होगा अंसार भाई, बस फर्गुसन में आके रहा, रिक्शा चलाने वाला बेटा है उसका बेटा, उधर आके क्या रहा एफसी रोड पे क्यों रहा, वो माहौल है पूरा इलाका ऐसा है उधर कोई रहता नहीं है, वो आ जाके रहा न्यू बालाजी जो है ब्रूस लिप्टन जो न्यू बायोलॉजिस्ट है उनका भी यही कहना है कि वो डीएनए और जीन से भी ज्यादा इन्वायरमेंट का प्रभाव ज्यादा होता है, तो ऐसे एनवायरमेंट में सदस्य बैठना मैंने देखा बच्चों को, वहाँ इतना मुश्किल से रहते हैं, हजारों लाइब्रेरी है और 3,000-2,500 रुपये मेस मिलता और 10,000 में से काम बन जाएगा, उसको कोई स्पॉन्सर बनो इसको वहाँ भेजो, और 3 साल वहाँ जब रहता ना ऑटोमेटिकली वो एनवायरमेंट में जो आगे बढ़ेगा, आप समझ रहे ना, जब तक उसको एनवायरमेंट नहीं मिलेगा यहाँ बच्चों के साथ होने ना उसको टाइम का वैल्यू नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट होना चाहिए, देखो वो सिर्फ ख्वाब देखे रहेगा, वो ख्वाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, बहुत सारा चीज़ है। आज 3 चीज़ें जो दुबई में गया था एक्सपो में, आज मैंने सिर्फ बस उसका देखा सर, जब आपको मालूम होगा आप बोलेंगे इसके ऊपर बात, यार भूल गया टाइम तो आज जेंडर एक्सप्रेस आप देख रहे हैं उसके अंदर तक कटेंगे सस्टेनेबिलिटी, किसने सुना सस्टेनेबिलिटी पे सुपर नया कोर्स चालू था,
हेलो मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी रोज ये घंटा सीट पर हमारे बात होता है बच्चे लोग लेक्चर ठीक है सर तो वो मैंने दुबई में सीखा दुबई स्कूल में सस्टेनेबिलिटी में सिंपल से एडमिशन हुआ पहली बार इधर है ना ये इंदिरा गांधी में भी ऐसा है वो सब चीजें पढ़ना पड़ेगा जिसपे 20-30 जॉब था आपने मेरा काम किया ये सारे चीज को पढ़ने के लिए मैथ पढ़ना पड़ेगा क्या पढ़ना पड़ेगा मैथ जिस बच्चे को मैथ्स नहीं आता वो ये सारे जो मैंने नाम लिए ना हमारा फ्रांतली बोलता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डाटा साइंस उसको नहीं जमेगा क्या नहीं आता मैथ्स शायद तो जरूरत मैथ्स नहीं आती फायदा मेरा नाम निशा मधुकर है और मैं 10th पास आउट हूँ मेरा एक इंडियन नेवी तो इंडियन नेवी के बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा देख भाई सब इंडिया जाएंगे क्या बच्चों लोग नहीं जाएंगे ऐसे सार करके भी एग्जाम मालूम था सच्ची बात मालूम था कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा 500 सीट है 500 सीट एनडीए से थोड़ा नीचे लेवल है हमारे पुलिस वाले बैठे हैं अगर मैं पुलिस में PSI बनता ना मैं अंदर पुलिस में जाने के बाद मैं एग्जाम देकर SI बन सकता क्या एग्जाम दे देते दे मैं कमिश्नर भी बन सकता क्या बन सकता वैसा ही ये एनडीए से थोड़ा लोअर लेवल है एग्जाम का नाम पता है SSR क्या बोला 500 वैकेंसी और एक एग्जाम है नेवी में AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस ये दो एग्जाम ये बच्चे ने दिया फिजिकल फिट रहा पहले वाले से 46,000 रुपये उसको घर में आता 46,000 घर का भी हो जाएगा पढ़ाई भी होगा अभी हमारे एक लड़का पास हुआ उस पैम्पलेट का शेयर करने बोलो फोन करो सोनाली मैम को फोन करो योगेश कांगोरडे चांदौड़ करके गाँव है मालूम है दुलिया के पास चांदौड़ हाँ तो वहाँ का बच्चा था एनडीए के लिए आएगा हमने जैसे अमित का फॉर्म भरा है ना उसका भी फॉर्म भरा है लात मार के भरा है बोले नहीं भरे बोले भर के उसका एग्जाम दिया गवर्नमेंट एग्जाम देने के बाद वो बच्चा SSR का एग्जाम पास हुआ और आज वो नेवल नेवी में काम कर रहा है जैसे इसको नेवी में आने उसके बाबा खुश है परसों के दिन खराब आने में तुम आप खराब रहोगे हम तो एग्जाम के बारे में SSR देखो अभी करियर गाइडेंस का क्या फायदा होगा अगर मैं वहां बैठ के बयान नहीं करता तो फायदा नहीं एक एक बच्चे को पूछा ना तो उसका फायदा होगा अगर ये ऑफिसर बनेगा तो जिंदगी भर में भी याद रहेगा बनेगा ना नेक्स्ट आ जाओ जल्दी आ SSR भी है और AA भी लोग दोनों चला अच्छे तक भी मी सध्या 10th मध्ये आहे आणि मी GPA मध्ये मी सध्या स्पोर्टमध्ये करिअर करायचं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जॉईन करायचं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जॉईन करेगा ना टेंथ में जो स्कूल से स्पोर्ट्स पढ़ते उसको स्पोर्ट्स में SAI गूगल क्या गूगल करेगा आ जा तूने बात किया आना आना टेंशन मत ले आ जा तू काय करतो ये ना ये लोग लाजू नको उनसे बात हुई क्या उनको उसके अलावा एक एग्जाम है ओमी बाबा एग्जाम का नाम क्या ओमी बाबा ये ओमी बाबा बाबा या ओलंपियड्स का एग्जाम देंगे ना ऑटोमेटिकली ये बच्चे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते आगे क्या बनना है क्या कर पुलिस में जाना है पुलिस में भी जाना ना तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर उसके लिए फायदा होगा आगे तो वो कितने को मालूम है एक लड़का 720 में से 720 मिला उसका नाम क्या है हाँ शोएब अख्तर हाँ तेरे वडिल क्या करता है भाई ओडिशा में लेबर है पर क्या बोला नहीं NTC की एग्जाम दी 10वीला और उनके कोटा चेक क्लासेस चलते रहा विकत ही थे अभी भूख लग रही है तो चार चपाती दे दिया तुम मेरे को पहली से दसवीं तक दो ही चपाती दे दो कितने दे रहे थे दो और तुम बोलते 11वीं आने के बाद जो हर साल का दो है ना कितने हो गए 20 वो 20 चपाती 11वीं में एक साथ खाओ बच्चा पचाएगा क्या उल्टी करेगा उल्टी ये सिस्टम हो रहा है एजुकेशन का इस बच्ची ने 8 सेनेट से रोजाना 2-2 पेज पढ़ने का NTC का तो जब 10वीं में जाएगा ना तो NTC का इतना बड़ा बुक है 500 पेज का बुक है 500 रुपये का दिशा पैसे दिशा कोई कमीशन नहीं देता मुझे दिशा का मुझके लिए अच्छा है कि मिस्टेक्स नहीं बिहार वाले यही करते शायद ये एग्जाम अगर आप बच्चा देगा ना स्टेज 1 स्टेज 2 तुम्हारे बच्चे का नील का कोचिंग मेरे यहाँ फ्री स्टेज 1 स्टेज 2 पास होगा मुद्दा मेरे यहाँ नहीं मैं मार्केटिंग कर रहा क्लासेस वाले आपके घर के पास लाइन लगा समझा ना बड़े बड़े क्लास वाले तुम्हारे घर पे लाइन लगा तो
तुम्हारी मर्जी आप करो, बात समझ में आ रहा करता है, इसके लिए एक एग्जाम पास करना जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन गर्ल्स रह गया, हो गया रुक कर जामिल भर्ती के अलावा ट्रेनिंग करना है स्टैंडर्ड कोर्स पूरा क्या बने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंग विंध्य हिमाचल गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे दाए तव जय दाता जन मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। मैंने क्या कहा इसको, हर टीचर का यही काम है कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ जाते हैं कॉन्फिडेंस को, और वो कॉन्फिडेंस के आधार पर अपने पटरी पर आते हैं। उसको मॉरली सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का भी और टीचर्स का। किसी को कुछ पूछना है? उसके बाद जवान का आत्मसम्मान और जवान की जो पर्सनल लाइफ उसके लिए